किताबों को जहाँ महिला पुरुष या किन्नर को गलत लिखा हुआ है उनको बैन कर देना चाहिए। महिला पहले महिला नहीं, पहले महिला इंसान है, इंसान को क्या बैन करेंगे? क्या मैं कहती हूँ कि वो किताबों को बैन कर दीजिए, क्योंकि इंसान इंसान होता है, बाद में महिला पुरुष या किन्नर होता है। एक दो तो अपने पैसा के जेब भरने आए हैं, अब ये लोग जो है कुछ पैसा भरेंगे अपने जेब में, 24 आ रहा है 2024 के लिए पैसे चाहिए इनके इलेक्शन के लिए, तो पैसा कहाँ से निकलेगा? ये विवादों से पैसा निकलेगा? अडानी जी दूसरे अमीर थे, अब 20वें नंबर पर आ गए। पता है मुझे, मुझे मालूम है ये बात, बट लेकिन इसकी बात की पुष्टि को और करे तो कौन करेगा? अभी अब मैंने बोला एशिया का जो अभी आज ही मैं पढ़ी थी कि अंबानी जो है वो नंबर वन पर आ गए हैं एशिया के, बट क्या हमें पता है कि वो कितना टैक्स दे रहे हैं? क्या हमें पता है कि उनके बैंक बैलेंस कितना है? तो ये तो खबरें जो है आप खरीद भी सकते हैं। देखिए मेरा मीडिया से मैं बहुत प्यार करती हूँ, आप सब लोग एक जेन्युइन मीडिया है, बट ऐसी मीडिया भी है जो पैसा देके फ्री में भी लिख सकती है आपके बारे में, किसी को कुछ भी बना सकती है। तो बेसिकली फिल्म में मीडिया कह रही है मोदी जी का डंगा बज रहा है पूरी दुनिया में। डंका तो बजेगा ही, जब उन्होंने हमारे पैसों से पूरा विश्व देख लिया, तब जाके अमेरिका घुमाए, जापान घुमाए, चाइना घुमाए, सब जगह घुमाए, तो डंका तो बजेगा ही बजेगा। उन्होंने जो है कोरोना के टाइम पर हमारी जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीन जो हमारी बनी थी सबसे पहले बाहर सप्लाई कर दी, तो डंका तो बजेगा ही बजेगा उनका। पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल नेता बताया जा रहा है मीडिया में। सच में नेता वही होता है जो सबको साथ लेके चले, नेता वो नहीं होता है जो बोले कि मेरा जो है हिंदू मेरा खाली भाई है, मुस्लिम मेरा दुश्मन है। जब अगर मैं बात करूं हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है आपको? मेरे हिंदू राष्ट्र से मतलब नहीं है, मैं कहती हूँ कि एक राष्ट्र के अंदर में सभी को जगह देनी चाहिए, मैं ये बात बोल रही हूँ। योगी जी कह रहे सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, वो बिल्कुल देखिए हिंदुस्तान हमारा तो हिंदू धर्म को क्या जोड़ा गया है, इंडिया भी बोलते हैं इसको हम लोग, हिंदुस्तान भी बोलते हैं इसको, भारत भी बोलते हैं। अगर हम भारत बोलेंगे तो भारत के अंदर तो सभी धर्म आ गए ना, संविधान में भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। देखिए हाँ, तो भारत संविधान में अगर है तो भारत जो है वो सभी का है भारत। अगर मैं बोलूं कि एक राष्ट्र एक धर्म के बिलोंग करता है, ऐसा नहीं, मैं खुद हिंदू हूँ, मैं खुद हिंदू जो है धर्म को मानती हूँ, मैं सभी धर्मों को मानती हूँ। मैं कल ये बोलती हूँ कि आप में प्यार रहना चाहिए। जब हमें स्कूल में सिखाया जाता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, जब मैंने अभी एक आपको राष्ट्र गीत का एक बात बोली आपको मैंने कि हिंदू है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, तो ये सब सिखाया गया है बचपन में। हम जो प्रेयर करते थे, कहते थे कि भाई ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। घर वापसी की भी बात हो रही है कि घर वापसी कर लें लोग, जो पहले धर्म परिवर्तन कर लिया जिन लोगों ने, वो वापस आ जाए हिंदू धर्म में। देखिए मैं बोलूंगी एक ये जो है वह बहुत निजी मामला है, आप किस भगवान को मानना चाहते हैं, आप अल्लाह में बिलीव करना चाहते हैं। राखी सावंत की बात करें, राखी सावंत ने भी शादी करके जो है मुस्लिम धर्म अपनाया है, ये उनकी पर्सनल चॉइस है, हर की पर्सनल चॉइस है। मैं किसी कुछ नहीं कहूंगी, मैं बोलूंगी अगर आपको हिंदू धर्म अच्छा लगता है हिंदू धर्म अपनाइए, आपको मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है इस्लाम अपनाइए, क्योंकि अंत में हमें सब ईश्वर के यहाँ जाना है और ईश्वर एक है, चाहे वो अल्लाह के रूप में हो, गुरु नानक के रूप में हो, चाहे वो हमारे जो है कृष्ण के रूप में हो, राम के रूप में हो, सब एक ही हैं। लोग कहते हैं जब अत्याचार होता है बच्चियों पे महिलाओं पे तो तब कहाँ चले जाते हैं इस वक्त? कौन, ये सरकार? लोग देखिए लोगों का काम मैं बोलती हूँ, आज भी अगर चैनल पे कोई एक्सीडेंट हो जाए इंसान बचाएगा नहीं, पहले अपनी वीडियो बनाना शुरू कर देगा, देखो इंसान जो है गिरा पड़ा है वो करे, तो इंसानियत तो इंसान के अंदर होनी चाहिए, पहले उस इंसान को उठा के लेकर जाओ तब जाके करो। हाँ जो लोग आपकी नजर में क्या सुधार करने चाहिए सरकार को? सरकार को सुधार नहीं करने चाहिए, हमें इंसानों को सुधार करना चाहिए आपस में, हमें जो है आपस में लड़के हमारे आपस में रहना चाहिए। अगर आप देखते हैं गीता धर्म में, देखिए आप हिंदू की बात कर रहे हैं, गीता में लिखा हुआ है अत्याचार सहना और देखना देश संविधान से चलता है। सुनिए मैं आप गीता की बात बता रही हूँ, गीता के ऊपर ही हम लोग जो है कसम खा के कोर्ट में बोलते हैं, राइट, हम लोग जो है सब कुछ करते हैं। गीता में लिखा हुआ है ये बात कि भी अत्याचार करने वाला और सहने वाला और देखने वाला उतना ही जो है खराब है, तो अत्याचार क्यों आप लोग सह रहे हैं? आप लोग इकट्ठे हुई इकट्ठे होकर अपनी जो है बात रखिए, और इकट्ठे में कितनी हमारी यूनिटी में स्ट्रेंथ है। रामराज पर क्या कहना है? रामराज तो डेफिनेटली मैं बहुत बोलूंगी कि हाँ रामराज आना चाहिए, क्योंकि हाँ। रामराज में जैसे कि हमने देखा कि कितना यहाँ पे लोग जो थे बिल्कुल सीधे थे, लोगों ने कोई चोरी डकैती नहीं होती थी, किसी मारपीट नहीं होती थी, बट रामराज में अगर बात करें पॉलिटिक्स तो वहाँ पे भी थी, हमने देखा रामराज में संबुक का वध भी तो हुआ था। जी हुआ था, ये मैं कहती हूँ राक्षसों का वध भी हुआ था रामराज में। संबुक राक्षस था क्या? नहीं नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। वध तो देखिए सीता माँ को भी वनवास हुआ था रामराज में, तो सीता माँ को रामराज चाहिए आपको? ऐसा रामराज तो नहीं चाहिए हमें जहाँ पे लड़कियों को वनवास किया कर दिया जाए, ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक ऐसा राज्य जहाँ पे सब कुछ पीसफुली हो, सब कुछ जो है वो शांतिपूर्वक रहे, शांति चाहिए हमें।